See, basic proportionality theorem. The statement is, if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points. So this is a triangle and this line is parallel to side BC and it intersects side AB at point P and side AC at point Q. Then the lines divide the sides in the same proportion. तो ये लाइन एल ने ए बी को डिवाइड किया ए पी और पी बी में, ए सी को डिवाइड किया ए क्यू एंड क्यू सी में. ये जो रेशियो है इक्वल दिखाने. सो टू प्रूव है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. ये जो टुकड़े हुए हैं उनका रेशियो इक्वल है. ये रहा गिवन. कंस्ट्रक्शन हमने किया है बी क्यू और सी पी ड्रॉ किया है. ड्रॉ पी सी एंड ड्रॉ बी क्यू. अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे. सो इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू डायग्राम में देखिए ए पी क्यू एंड बी पी क्यू. बेस ए पी एंड बेस पी बी. ए पी क्यू का बेस ए पी एंड बी पी क्यू का बेस बी पी. क्या है? लाइज इन अ सेम लाइन. लाइज ऑन सेग ए बी. ए बी पे ही दोनों बेस है विथ अ कॉमन अपोजिट वर्टेक्स क्यू और इन दोनों बेस का अपोजिट वर्टेक्स है क्यू. इन दिस सिचुएशन दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल होती है. देयरफॉर हाइट ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू. और जब हाइट इक्वल होती है तो इक्वल हाइट के एरिया के रेशियो के लिए अपने पास प्रॉपर्टी है. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू देयर बेसिस. देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू ए पी क्यू का बेस ए पी अपॉन बी पी क्यू का बेस पी बी. सिमिलरली अभी हम ट्राइंगल ए पी क्यू एंड सी पी क्यू लेंगे. सो इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड सी पी क्यू ए पी क्यू का बेस होगा ए क्यू एंड सी पी क्यू का बेस होगा सी क्यू. लाइज ऑन सेग ए सी. यहां पे देखिए डायग्राम में ए पी क्यू का बेस ए क्यू और सी पी क्यू का बेस सी क्यू एक ही ए सी पे है विथ अ कॉमन अपोजिट वर्टेक्स पी और दोनों का अपोजिट वर्टेक्स पी है. ऐसे सिचुएशन में हाइट इक्वल होती है. सो हाइट ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू. और जब हाइट इक्वल होती है तो प्रॉपर्टी है सो उन दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्राइंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू उनके बेस का रेशियो ए क्यू अपॉन क्यू सी. अभी ये दो ट्राइंगल लीजिए बी पी क्यू एंड सी पी क्यू. सो इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी क्यू lies between two parallel lines. ये दोनों BPQ and CPQ ये जो दो parallel line है उनके अंदर है with a common base PQ. और दोनों का हम लोग एक ही base ले सकते हैं PQ. इसलिए base भी same. base of triangle BPQ is equals to base of triangle CPQ. अब जो दो triangle parallel between two lines between two parallel lines होते हैं तो उनका height भी same होता है. इसलिए height of triangle BPQ is equals to height of triangle CPQ. हाइट कब इक्वल होती है वो दो मैंने समझाया है दो कंडीशंस. तो उसमें से ये सेकंड कंडीशन है जब ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में होता है तो उनके हाइट सेम होती है. तो ये दोनों ट्राइंगल बीपीक्यू एंड सीपीक्यू दो पैरेलल लाइंस के बीच में है इसलिए उनकी हाइट भी सेम. हाइट भी सेम और बेस भी सेम इसलिए एरिया भी सेम. देयरफॉर एरिया ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन बीपीक्यू इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्राइंगल सी पी क्यू. ये दोनों रेशियो जो है वो सेम हो जाएंगे. इन शॉर्ट इनकी जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल हो जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल. देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी बाय स्टेटमेंट वन एंड टू. इस तरीके से हमने क्या प्रूव किया कि अगर ट्राइंगल कि एक साइड को पैरेलल लाइन है तो वो लाइन ट्राइंगल के दो सभी रिमेनिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. सो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम.
स्टेटमेंट है इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. सो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया है, लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी इन पॉइंट पी. ये जो लाइन एल है ए बी को पॉइंट पी में इंटरसेक्ट करती है. लाइन एल इंटरसेक्ट सेग ए सी इन पॉइंट क्यू. यही लाइन एल ए सी को क्यू में इंटरसेक्ट करती है. अभी ये दोनों जो पार्ट हुए ए बी के ए पी एंड पी बी उनका रेशियो ए पी अपॉन पी बी. वैसे ए सी के जो पार्ट हुए बिकॉज ऑफ लाइन एल दैट इज ए क्यू एंड क्यू सी उनका रेशियो ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल अगर है तो ये दो साइड्स को इक्वल रेशियो में लाइन एल डिवाइड करती है तो ये लाइन एल साइड बी सी को पैरेलल है. लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. सो लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी. इस थ्योरम का प्रूफ नहीं है, सिर्फ समझ के लेना है. सो दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स. यही यूज करके हमें 1.2 सॉल्व करना है. प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें तीन सब क्वेश्चन है, वो रिड्यूस्ड है, पोर्शन में से निकाल दिए. सो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम इज 15. ये जो पी एम है वो 15 है. पी क्यू इज 25. पी क्यू इज 25. पी आर इज 20. एन आर इज 8. स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू. गिव रीजन. तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे. हम लोग चेक करेंगे पी एन अपॉन एन आर पी एम अपॉन एम क्यू ये जो दो रेशियो है वो इक्वल है कि नहीं है. सो लेट स्टार्ट. मुझे दिया है पी डैश एम डैश क्यू. पी डैश एम डैश क्यू गिवन. सो पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू. बराबर ना, पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू. पी एम इज 15. एम क्यू हमें निकालना है. पी क्यू इज 25. ये 15 यहां आएगा माइनस होगा. 25 माइनस 15 एम क्यू इज 10. सो अभी मेरे पास पी एम भी है और मेरे पास एम क्यू भी है. सो पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 15 अपॉन 10. 5 से सिंप्लीफाई करेंगे. 5 3 जा 15. 5 2 जा 10. सो पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. सिमिलरली पी डैश एन डैश आर. सो पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर. पी एन हमें निकालना है. एन आर की वैल्यू 8, पी आर की वैल्यू 20. ये 8 यहां आएगा माइनस होगा. 20 माइनस 8. सो पी एन इज इक्वल टू 12. सो लेट्स हैव रेशियो. पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू 12, एन आर की वैल्यू 8. इसको हम लोग 4 से सिंप्लीफाई करेंगे. 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. सो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. सी दिस टू रेशियोज आर इक्वल. पी एम अपॉन एम क्यू इज ऑल्सो 3 अपॉन 2 एंड पी एन अपॉन एन आर इज ऑल्सो 3 अपॉन 2. सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी डैश एम डैश क्यू एंड पी डैश एन डैश आर. और ये यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 में 4 में क्या दिख रहा है, दोनों रेशियो इक्वल है. पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर. सो बाय द कन्वर्स जब बिकॉज ऑफ लाइन जो टुकड़े हो जाते हैं साइड्स के पी एन एन आर पी एम एम क्यू ये अगर रेशियो इक्वल है तो बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो जो लाइन है एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू.